अकाउंट के बारे में समझा देंगे। और पीएफ भी दो डिजाइन के होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ, हालांकि उसके दो और कैटेगरी है, ईपीएफ एंड जीपीएफ, उस सब के बारे में समझाते हैं। देखिए पीएफ जो होता है ना, उसको फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है भविष्य निधि, मतलब आगे जाकर होने वाला खर्चा, भविष्य निधि। अब आप जैसे समझिए, भारत में हर इंसान छोटे या बड़े काम में लगा हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसकी जिंदगी चल रही है, लेकिन कब उसको पैसे आने बंद हो जाएंगे या फिर उसका जॉब चला गया, तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर बुढ़ापे में बाल बच्चा भगा दिया, या फिर बुढ़ापे में काम नहीं बचा, तो कहाँ जाएंगे? तो बुढ़ापा के लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है। या कोरोना के काल में आप देखिए, जिनकी नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत से लोग मतलब भूखे मर रहे थे लोग वहां पे, समाज ने कुछ दे दिया तो चलो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में इन बेरोजगारों के लिए क्या था, तो उसी के लिए बनाया गया था पीएफ अकाउंट। ये एक तरह का गुल्लक होता है, जैसे हम लोग पैसा डाल देते हैं ना गुल्लक में, बचपन में आप लोग भी डाले होंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तब, सीबीएसई वालों का क्या ही पूछना, वो लोग गुल्लक भी रखता है तो जितना का जितना गुल्लक में पैसा नहीं रहता है ना सीबीएसई वालों का, उससे महंगा उन सबका गुल्लक रहता है। अलग दुनिया का है सर, हम लोग का तो ये बचपन में हम लोग 1 रुपया खरीद के लाते थे, और घटता था ना तो उसमें से तनी तनी निकाल लेते थे, पूरा नहीं फोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एक गुल्लक सरकार ने बनाया है, जिस गुल्लक को कहते हैं प्रोविडेंट फंड। अब बार बार प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि तो कहेंगे नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड शॉर्टकट में। अब हम इस प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल से समझते हैं, है क्या ये प्रोविडेंट फंड। एक तरह का खाता है जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक काट के उस गुल्लक में रख दिया जाता है। पीएफ क्या है, एक अकाउंट है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट इस तरह होता है ना, उसी तरह पीएफ अकाउंट होता है। ये एक ऑटोमेटिकली काट दिया जाता है ताकि आपके सोशल सिक्योरिटी हो सके, बुढ़ापा में किया जा सके। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि आज रखे 2 साल बाद निकाल दे, ये बुढ़ापा वगैरह के लिए होता है, 10 साल 20 साल 40 साल इस तरह बुढ़ापा के लिए, लॉन्ग टाइम, और एकदम सिक्योर मनी होता है, ये ना लूट सकता है ना कुछ, इसकी गारंटी सरकार लेती है, रिस्क फ्री होता है। जैसे शेयर मार्केट कैसे रिस्क वाला होता है, राजा बना देगा ना तो भिखारी बना देगा, उस तरह से होता है ये प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट। अब ये पीएफ अकाउंट दो टाइप का होता है, एक मतलब जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, ई से एम्प्लॉयड, अब प्रोविडेंट फंड ईपीएफ हो गया, और एक जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़ा मोड़ा बिजनेस है, दुकान है वगैरह है, तो इन लोग के लिए, पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए भी एक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ। तो आप देखिए बार बार इतना मत समझिए, दोनों को पीएफ ही कहते हैं, पीएफ मतलब भविष्य निधि, बुढ़ापा या आने वाले वक्त में काम आता है ये। बस ये नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफ होता है, और जो नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए पीपीएफ होता है। दोनों एक प्रकार है किसका, पीएफ अकाउंट का, इसलिए अमूमन दोनों को लोग पीएफ ही कहते हैं, हालांकि हम दोनों में अंतर बताएंगे।